बंदी के दिन भी होटल पर उड़ रही थी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। पुलिस के मना करने पर पुलिस को वर्दी उतरवाने की दी धमकी। आपको बता दें कि पूरा मामला यूपी के जनपद बांदा के सब्जी मंडी रोड का है। बताते चले जहां पर आज बंदी के दिन भी एक होटल पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पुलिस ने मना किया कि यहां भीड़ मत लगाओ और होटल बंद करने को कहा, तो होटल खोले महिला ने पुलिस के सामने ही व्यापारियों की शह पाकर पुलिस के ऊपर सामान फेंकने को कहा और कुछ सामान पुलिस के ऊपर फेंकना भी चाहा। हालांकि पुलिस की वर्दी पर और पुलिस के ऊपर नहीं पड़ पाया। होटल पर बैठी महिला ने पुलिस से अभद्रता भरे शब्द इस्तेमाल किए। इतना ही नहीं, पुलिस की वर्दी भी उतरवाने की बात भी कही। तभी पुलिस को गुस्सा आने पर पुलिस ने होटल पर रखे मेज पर अपना डंडा ठोका। पुलिस के डंडा ठोकने पर मेज पर रखा सामान जमीन पर। आपको बता दें जो पुलिसकर्मी इस कोरोना महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, जिनको लोगों ने कोरोना योद्धा का नाम दिया है, वहीं पुलिसकर्मियों के साथ भद्दे शब्द का इस्तेमाल करते हुए होटल में बैठी महिला ने व्यापारियों की शह और सत्ताधारियों की शह पाकर पुलिस को वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली। आपको बताते चलें कुछ दिनों पहले वहीं पुलिस ने बीच मार्केट पर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने पर किसी व्यापारी को हाथ पकड़कर कोतवाली ले गया था। उसी मामले को लेकर कुछ व्यापारी उस पुलिस वालों को फंसवाने में लगे हुए हैं। वीडियो बना आज तुम्हारा मुकदमा लिखा है। सामान तो फेंक रहे हो जबा जैसे कि हम फेंक रहे आज कोतवाली नगर क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी का दिन था। कुछ व्यापारी जो है अपनी दुकानें खोले हुए थे। कोतवाली नगर के कुछ सिपाही जो है दुकानों को बंद करा रहे थे। उसी दरमियान एक महिला जो दुकान लगाए हुई थी उसको डंडे से उसके सामान को बिखेर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उक्त वीडियो का पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए उस सिपाही के कृत्य को सही नहीं पाया गया और उस सिपाही को पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है तथा इसकी जांच सीओसीटी को दी गई है।